नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है, आरडी शर्मा बुक्स का स्टडी करेंगे। दोस्तों आज एक्सरसाइज 2.1 आरडी शर्मा के जो बुक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप तुरंत पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए ताकि हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, तक जिससे कि आप लोग की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बीच अधूरी पढ़ाई ना करें, जब भी पढ़े तो पूरी कंप्लीट पढ़े ताकि आपकी नॉलेज अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना। और एक्सरसाइज 2.1 में जो है, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो कॉन्सेप्ट 1 में जो है आपको मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसको हम बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखो यहाँ पर तीन सिंबल यूज होगा। एक तो इस सिंबल जो इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है, इसके जो माउथ खुला हुआ नहीं इधर की तरफ, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर। और एक जो सिंबल ये यूज होगा इसका मतलब हुआ स्मॉलर। और एक जो सिंबल यूज होगा इस तरह से, इसको बोलते हैं इक्वल। तीन सिंबल यूज होगा, जैसे जैसे 3 है ना, ये 2 है, तो जो नंबर लार्जर होगा माउथ को उधर की तरफ खोल देना, ओपन कर देना। जैसे 3 और 2 में 3 2 से क्या है, बड़ा है, लार्जर नंबर है। 3 जो है 2 से ग्रेटर है, एक मतलब ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 2 से बड़ा है, तो जो बड़ा है ना उधर की तरफ माउथ खोल दे, ऐसे कर दिया। जैसे 6 है और 4 में कौन लार्जर है, 6 लार्जर है, तो इधर की 6 लार्जर है तो इधर की तरफ माउथ दे दिए। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 में कौन लार्जर है, तो 3 लार्जर है। इसका मतलब ये, अब यहाँ देखिए बात करेंगे हम लेफ्ट साइड से कोशिश करेंगे, लेफ्ट वाले के बारे में पूछेंगे 3 2 से क्या है। उसी तरह यहाँ पे 2 3 से क्या है, 2 3 से क्या है, लेफ्ट वाले से पूछिए कि आप 3 से क्या हो, तो छोटा है, तो छोटा है, तो इसका मतलब हुआ कि इधर ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो इधर की तरफ साइन है। जिधर जो लार्जर नंबर होगा उधर की तरफ माउथ खोल देना, अपने आप सेट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे 3 और 3 क्या है, इक्वल है, तो ये तीनों सिंबल यूज होगा इस क्वेश्चन में। और आपको कंपेयर करना कौन लार्जर है, कौन जो है स्मॉलर है, ठीक है, यानी ग्रेटर है और स्मॉलर और इक्वल, तीनों का सिंबल देनी है। अब दूसरी बात क्या होता है, कई बार देखना सिंबल इस तरह से भी यूज हो जाता है, इसका मतलब हुआ ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, और इसका मतलब हुआ कि स्मॉलर भी है और इक्वल हुआ है। जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इसका मतलब हुआ एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, इस तरह से यूज होता है। ये आपको अभी नहीं पढ़नी, ये हायर क्लास में आपको पढ़ाएंगे, आप बस 3 सिंबल से आपकी क्वेश्चन सारी बन जाएगी। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आरडी शर्मा बुक्स का स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, compare the following fraction by using the symbol greater और स्मॉलर और इक्वल। यही 3 सिंबल से आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जैसे 7/9 है एंड आपका जो है आपका 8/13 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर होना, तो जहाँ पे अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में सेम ना हो, तो इसको हम बताना बड़ा मुश्किल है। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के इक्वल करेंगे हम। इक्वलेंट फ्रैक्शन है 7/9 ला करके, जो डिनोमिनेटर में 9 है ना उसके एलसीएम जो आएगी उसके बराबर करनी है, उससे क्या होगा इक्वलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगी, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे, 9 और 13 का। तो जब आप 9 और 13 का एलसीएम निकालोगे तो इस तरह से 3 3 9 और 13, फिर 3 से 3 1 और 13, फिर 13 से 1 और 1, तो आपकी जो एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 × 13, यानी 117 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 117, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है आपको,
तो मैं क्या लिखूंगा, 7/9, तो 7/9 लिखूंगा, और इसमें हमको इसको 117 बनानी है, यानी एक नीचे बनाना है 117। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूं, तो इसमें 13 से कर दूंगा, फिर इसमें भी 13 से कर दूंगा, तो ये क्या होगा 117 हो जाएगा। तो 13 से तो 7 3 जा 21, और 7 1 जा 9 91 हो गया। अब मैं इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूँ, तो 8/13 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाए, नीचे 117 और तो इसमें देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे या 9 से, तो इसमें 9 से कर दीजिए, ठीक है। तो 9 से आपका 13 हो गया, ठीक है, और इसमें कितना से हो जाएगा 9 से, तो 72 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या हो गया, अब इस फ्रैक्शन को मैं क्या लिखूंगा, अब इस फ्रैक्शन को लिखूंगा मैं 7/9 को लिखूंगा 91/117, और इस फ्रैक्शन का लिखूंगा मैं 72/117। अब देखिए ये फ्रैक्शन लाइक हो गया नीचे, और जब लाइक फ्रैक्शन हो जाता है तो ऊपर वाले कंपेयर करो, न्यूमरेटर का कौन लार्जर है, ये लार्जर है, इसका मतलब इधर की तरफ मौत खोल देना है, मुंह इधर की तरफ खोल दिया। तो अब हम जो है इस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे कंपेयर करके एंड के जगह पे क्या भरेंगे, ये नंबर इससे आया है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, तो यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया बच्चों, बहुत आसान है क्वेश्चन, अनलाइक फ्रैक्शन था, देख लिया आपने। चले क्वेश्चन नंबर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड करके दिखाता हूँ मैं, इसी का चार क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में वो फर्स्ट इस तरह से हम बता रहे हैं आपको, इसी का सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या है आपका 11/9 एंड 5/9, ये दो क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सिर्फ कंपेयर करना है आपको, जब यहाँ और यहाँ सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन हो तो ऊपर वाले कंपेयर कर लो। तो अब बताइए 11/9 और 5/9 कौन लार्जर है, इधर वाला लार्जर, 11 ज़्यादा हो गया, लार्जर हो गया, तो जो ज़्यादा बड़ा होगा ना उधर की तरफ मुँह खोल दो, यही हो गया आंसर। बहुत आसान है, देखो हंसने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को लोग देख करके हंसेंगे, इतने आसान कैसे पूछ दिया, अगर पूछना ही था तो और भारी पूछ लेता, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड है 37/41 और एंड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 19/40, देखो पसीने छूट जाएंगे इसमें एलसीएम लेने में आपके। अब ये बताइए इसमें कौन लार्जर है, आपको कैसे करना है, तो इसका फिर एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम निकलोगे तो एलसीएम यही मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम होगा 41 × 40, यही आ जाएगा एलसीएम। तो मैं क्या करूँगा आपको मैं बता रहा हूँ, 37 को बाय 41 का इक्विवेलेंट निकालना है आपको। देखिए इधर इधर आपको क्या लाना है, इधर लाना है आपको नीचे क्या लाना है 41 × 40, तो 41 तो है ही, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो इसमें भी कर दो 40 से। अब इसका कितना हो जाएगा 37 × 40 हो जाएगा। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह से हम करेंगे काम, इधर देखिए 19/40 है, अब मुझे क्या है 40 × 41 हमें यहाँ चाहिए, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूँगा 41 से, तो इसमें भी 41 से। अब ये क्या होगा 19 × 41। अब देखिए अब आप ये बताइए इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के वैल्यू बताइए, इस फ्रैक्शन के वैल्यू कितनी हुई, इस फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगी आपकी 37 × 40 आप बाय क्या होगा 41 × 40, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो गया 19 × 41 अब बाय क्या होगा 40 × 41। अब देखिए इसमें कंपेयर, देखिए नीचे तो सेम है, देखिए मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, हर क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई झूठ मूठ के परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्म रखिए ताकि आपको कंपेयर ही तो करना है। अब यहाँ देखिए ये सेम है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन हो गई, तो अब ये दोनों में देख लीजिए कौन लार्जर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। देखिए 37 को 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो आपको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 4 3 जा 12 और 14 हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा, ये आ गया। फिर इसका नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए 41 और 19 को, तो 9 36 41, तो 9 7 और 7
ठीक है। तो देखिए आपकी जो है ना ये ज़्यादा हो गया, ये नंबर क्या हो रहा है, यानी इसको ये जो आपकी वैल्यू हो रही है ये 480 हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है आपको कितना रहा है, तो इसकी वैल्यू जो आपको आ रहा है 779। कौन लार्जर है, ये लार्जर हो गया, तो इसका मतलब इधर की तरफ मौत खोल दो, इसका मतलब यहाँ पे ये लार्जर हो गया, समझ आ गया। अनलाइक फ्रैक्शन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, और इसमें कितने क्वेश्चन कर लिया, दो और एक क्वेश्चन इसका, इसमें जो है देखिए क्वेश्चन नंबर एक में फर्स्ट क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है, तो हमने तीन क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और है इसमें फोर्थ में, क्या दिया हुआ है 17/15 एंड आपका 119/115 इस तरह से दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले अनलाइक फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम किसका 15 और 115 का, तो 15 और 115 का एलसीएम लिया, तो मैंने 3 से लिया, तो देखो 300 तो लगे, 3 से पहले ले लो, 3 5 जा और इसमें 3 3 जा 9 और ये तो आएगा नहीं 3 के टेबल में, फिर 5 से ले लीजिए, 5 1 जा और 5 2 जा और 5 2 जा और 5 3 जा, तो आपके एलसीएम जो है 23 से तो 1 और 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम इसका जो आप निकालोगे तो 17/15 इंटू 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आपका इसका हो गया 3 × 5 × 21, ऐसे रखना है आपको, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 3 यानी 15 × 21, ये तो हुआ 15 × 21 ही तो एलसीएम है। अब हम देखो यहाँ 15 × 21 है, ठीक है, तो 15 इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर इसमें 21 से कर दिए, तो इसमें भी 21 से कर दिए, अब इसको लिखूंगा मैं 17 × 21, चलो इसको करके देखो 119/115 है, ठीक है, इसको लाना है कितना 115 लाना है भाई, 115 लाना ही है आपको, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से कर दो, आ रहा है ये, देखिए 15 और 1 इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा आपका 3 × ये देखिए यहाँ पे 21 × 15, एक बार ही चेक कर लेते हैं, 23 करना है आपको, यहाँ पर 23 होगा, ठीक है 23 यहाँ पे 23 कर लेना आप, यहाँ भी 23, ठीक है यहाँ पे 23 करना है, और इधर देखिए यहाँ पे कितना है आपको 23 लानी है, तो यहाँ पे 23 और साथ साथ जो है 15, ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना है आपको 23 इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई आप सो 1 से, या देखो 23 × 15 है, तो 23 × 15, तो 15 जो है यानी यहाँ पर ऑलरेडी 115 दिया हुआ है, तो आप जो है 23 × 15 में आपको 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 1 से कर दिया 119 × 1, ठीक है बच्चों, एक बार जो है इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, चेक कर लेना हमें, ठीक है 23 और 15, तो आपको अब देख लीजिए ये दोनों में कंपेयर करके कौन बड़ा है, तो देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपको कौन लार्जर आ जाएगा, इस क्वेश्चन में गलती हो गई हम लोगों को, कहीं एरर हो गया इसको, बच्चों हमें जो काम करनी है इसमें कुछ गलतियां हो गई है क्वेश्चन लिखने में, इसको हम लोग सुधारते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपके आर डी शर्मा बुक्स में है यहाँ 119/0105 था, और हम क्या किए तो 115, इसीलिए हम लोग परेशान हो रहे थे, फिर से हम क्वेश्चन को हम ढंग से फिर से हमने रिपीट सही कर लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था, इसीलिए हम लोगों को एलसीएम लेने में परेशानी हो रही थी। तो चलो बच्चों फिर से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो चलते सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम किसका, तो एलसीएम निकालेंगे आपका 15 का और 105 का, ठीक है, तो हम 15 और 105 को हमने यहाँ पर लिखा, पहले तो हम किससे एलसीएम 3 से लिया, 3 5 जा और जो है 3 3 9 और 3 5 जा, ठीक है, और 5 से 5 1 जा और 5 7 जा,
और इसके बाद जो है सेवन से वन और वन, तो इसके जो एलसीएम हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 × 7, तो कितना हो गया 105 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, ये 105 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है क्योंकि लाइक बनानी है, तो 17/15 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, नीचे कितना आपका मुझे चाहिए 105 नीचे में, तो 105 लाने के लिए 15 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 15 × 7 = 105, ठीक है। तो इसमें भी मैं 7 से करूँगा ना, तो ये क्या होगा, 7 × 7 = 9 और 7 = 119 हो गया, ठीक है। 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7 = 11, ठीक है। और ये आपका आ गया। अब इसका भी इक्विवेलेंट निकालो, 119 है बाय 105 है, ठीक है। अब इसको हमें नीचे क्या चाहिए, नीचे हमें चाहिए 105, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें कर देता हूँ मैं 1 से, तो इसमें भी 1 से, तो ये क्या होगा 119 / 105 हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन कह रहा है, नीचे देखो 105 हो गया, ये भी, ये तो लाइक हो गया। अब तब जब लाइक हो गया तो ऊपर कंपेयर करेंगे, तो ऊपर भी 119 है, 119 है, वहाँ भी 119 है, तो ये दोनों फ्रैक्शन तो सेम हो गया, तो हम यहाँ पे क्या सिंबल देंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन दे देंगे। तो यानी आप देख लिया, ऐसे क्वेश्चंस इसी तरह से बनाए जाते हैं, यानी ये जो है ये फ्रैक्शन, ये जो है इक्वल हो गया इस फ्रैक्शन का। तो बच्चों जो है इसी तरह से हम क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन को आज सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह स्टेप बाय थोड़ी थोड़ी करके हम पढ़ते रहेंगे, और आज के लिए यहीं तरह रखते हैं, धन्यवाद।